मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ वाज़ द पेपर? आई होप इट वाज वेरी नाइस, वेरी गुड. आई हैव विथ मी द पेपर. लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द पेपर. ओके, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर वन, फिगर दिया है आपको. मैं कुछ रीड नहीं करता, आपके पास क्वेश्चन पेपर है इसलिए मैं उसको फिर से रीड नहीं करता, खाली देखता हूँ और मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. और एक चार्ज दिया है प्लस 2 कूलम का, और इसको सेंटर पे लगा दिया है, इट इज़ एट द सेंटर. एंड अनदर चार्ज प्लस फाइव कूलम, इसको यहाँ ए पॉइंट से यहाँ पे बी पॉइंट पे भेज दिया है. यहाँ से यहाँ ए पॉइंट इज गिवन हाउ मच, इट इज 2 0. सो एक्स एंड वाई, इसका 2 और 0 है. और बी का कितना दिया बेटा? बी का दिया 0 2. और क्या पूछा है? द लाइटर चार्ज फ्रॉम ए इज देन ब्रॉट टू पॉइंट बी ऑन वाई एक्सिस, नेट वर्क डन इज ओके. और 1/4 epsilon 0 का वैल्यू दिया. तो नेट वर्क डन इसमें पूछा है आपको, तो सॉल्व करने के लिए चालू करते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट. पोटेंशियल एट ओ नहीं ए सॉरी पोटेंशियल एट ए, हियर इट इज 2, हियर इट इज +5. ओके, यही चार्ज यहाँ से यहाँ घुमाए. अभी आपको मैं एकदम क्या कहता हूँ, इससे अच्छा है, बेटर दैट आई विल गिव यू द आइडिया डायरेक्ट, बिकॉज दैट विल बी फास्ट. किसी भी पॉइंट है, एक पॉइंट लिया और एक चार्ज इधर रखा, इसको मैं क्यू ए बोलता हूँ, इसको क्यू बी बोलता हूँ. अभी इनमें से डिस्टेंस कितना है? सपोज एक्स है. अभी इसको इसके लोकस पे कहीं भी मैंने घुमाया, इफ आई मूव इट ऑन द लोकस दिस चार्ज, तो बेटा ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं बदल रहा है, ये क्यू बी तो क्यू बी ही रहेगा. यहाँ पे किया चाहे यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, क्यू बी तो क्यू बी रहने वाला है, क्यू ओ बी क्यू ए ही रहने वाला है, डिस्टेंस भी सेम रहने वाला है. तो किसी भी लोकस पे यहाँ पे पोटेंशियल तो सेम रहने वाला है. तो इधर भी देखो, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 2 0, मतलब ये 2 है. इसका कोऑर्डिनेट कितना है? वाई का 2 है, 0 2, तो मतलब ये 2 है. तो किसी भी पोजीशन पे ये उसी लोकस पे आ रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम रहे, तो आपका पहला इंपॉर्टेंट थिंग वी ए विल बी इक्वल टू वी बी, और डब्ल्यू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, बराबर. सो एंड डब्ल्यू विल बी क्यू इंटू वी. अपने केस में डब्ल्यू विल बी गिवन, चार्ज कितना है जो कितना दिया है, क्यू इंटू वी. तो वी मतलब क्या हो जाएगा, इसका हम कैसे लिख देंगे, तो मैं इधर दिखाता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ. और वी कैसा आएगा, देखो वी ए बी, ये तो फॉर्मूला आपको दिया है डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू. तो डब्ल्यू बी ए कितना आएगा बेटा? डब्ल्यू बी बी ए विल बी क्यू इंटू वी ए माइनस वी डी. लेकिन अपना ये वी ए माइनस वी डी कितना है? 0 है. तो डब्ल्यू बी ए कितना आएगा आपका? 0 आएगा. तो आंसर शीट में चेक करो, इसका आंसर है 0, ऑप्शन सी. देखते हैं हम, ऑप्शन सी 0 है, एकदम सिंपल है, उसमें करने का ज़रूरत नहीं है, निकालने का भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको मालूम होना चाहिए, दैट्स वाई आई हैव गिवन इट. ओके, गो फॉर द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. A large solid sphere with uniformly distributed positive charge has a smooth narrow tunnel through its center. A small particle of negative charge initially at rest far from the sphere approaches it along the line of the tunnel. Okay, and reaches its surface with speed v and passes through the tunnel. Its speed at the center of the sphere will be okay. तो पहले क्या दिया है उनका? यूनिफॉर्म दिया है ना, सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज. तो आपको क्या दिया? एक सॉलिड स्फीयर दिया है आपको. थोड़ा मेरे को टाइम जाएगा, लेट मी टेक माय ओन टाइम, आफ्टर दैट देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन. एक सॉलिड स्फीयर लिया है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए,
बस अभी क्या किया है, इसके सेंटर से एक टनल निकाला, एक ऐसे टनल सेंटर से नैरो टनल। ओके, इसका रेडियस कितना दिया स्फीयर का? रेडियस ऐसा कुछ दिया नहीं ना। ओके, तो मैं आर पकड़ता हूँ इसका रेडियस। आई विल टेक द रेडियस टू बी आर, इसका रेडियस आर लेता हूँ। और यहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इन्फिनिटी लेने का, तो इन्फिनिटी से एक चार्ज, कौन सा चार्ज है? ये सब पॉजिटिव, ये सब इसको बोलो प्लस क्यू, यहाँ से माइनस क्यू को लाया है। और इनिशियली वो बोले है, क्या बोले देखो, इनिशियली एट रेस्ट फार फ्रॉम द स्पीड, यहाँ पर रेस्ट पे था। ओके, अप्रोचेस इट अलोंग द लाइन ऑफ द टनल, मतलब इसी लाइन के अलोंग वो आ रहा है। ऑफ कोर्स पहले तो वो रेस्ट पे था, लेकिन ये अभी सब पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव है, दैट्स वाई दैट निगेटिव चार्ज विल बी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। नाउ अप्रोचेस इट अलोंग द लाइन ऑफ टनल, रीचेस द सर्फेस, ओके, एंड पासेस थ्रू टनल, इट्स स्पीड एट द सेंटर ऑफ द स्पीयर विल, अभी सेंटर ऑफ द स्पीयर पे इसका स्पीड कैलकुलेट करना। अभी देखो क्या हो जाएगा, एज इट विल अप्रोच, सो एज द पार्टिकल, पार्टिकल मीन्स ओ सॉरी चार्ज, चार्ज अप्रोचेस कॉमा इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज, क्यों? तो इसके नज़दीक आएगा तो उसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो ये अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगा, करते 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 तो यहाँ आ जाए और अभी अंदर जाए और सेंटर पे उसका वेलोसिटी पूछा है। ओके, और अपने को दिया है वेलोसिटी कौन सा, वी नॉट दिया है ना, विथ स्पीड वी एंड पासेस थ्रू द टनल। ओके, इट्स स्पीड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ओके, तो यहाँ पे वी दिया है, तो दे आर आस्किंग इफ इट इज वी एट हियर तो हाउ मच इट विल बी हियर, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। ओके, तो वी स्पीड, अभी स्पीड निकला मतलब यू विल बी इंटरेस्टेड इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उसको कितना मिलेगा, इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट ना, पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन, वर्क डन, तो वो वर्क डन जितना हो जाएगा इस पॉइंट के लिए, तो इस पॉइंट के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा, क्यू इंटू वी, ये वी वेलोसिटी है, ये वी पोटेंशियल है आपका, बराबर, इसको लिखता हूँ मैं वन और इसको लिखता हूँ टू, तो वी वन, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना दिया है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वी वन। अभी बाद में यहाँ पे इधर आएगा, तो उस मोमेंट को कितना मिलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, चार्ज तो वही रहेगा क्यू वी टू। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट वी वन एंड वी टू, आई हैव टू कैलकुलेट वी वन एंड वी टू, इफ आई एम सक्सेसफुल इन कैलकुलेटिंग वी वन एंड वी टू आई विल बी एबल टू टेक द रेशियो ऑफ दैट। नाउ हियर वी स्क्वेयर एंड हियर वी टू ना, तो हियर आई विल कॉल इट एज वी वन स्क्वेयर एंड वी टू स्क्वेयर, दिस इज पोटेंशियल ना, कीप इन माइंड दिस इज पोटेंशियल, एंड ये दो है वी वन वी टू स्क्वेयर, ये है अपना वेलोसिटी, नहीं तो आप जंबल हो जाओगे, एकदम सिंपल है, आपको दिखाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज विद इन 2 मिनट्स वी कैन डू दैट। सो शैल वी डू विथ हियर, हियर आई विल यूटिलाइज द स्पेस। ओके, तो क्या हो जाएगा, अभी इसका हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ वी वन स्क्वायर वी टू स्क्वायर, ये हो गया, अभी वी वन वी टू निकल रहा। ओके, तो ऑन द सरफेस वी वन कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन इसका जो रेडियस है ना, ओके आर, ओके, और वी टू कितना बन जाएगा, वी टू के लिए ये फॉर्मूला है,
क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ओके, और सेंटर पे पूछा है, तो सेंटर के सेंटर पे निकालने के लिए मैंने आपको एक डेरिवेशन दिया है पहले वीडियो में, वंस आई स्टार्टेड विथ पोटेंशियल, इट कम्स 3/2 के क्यू अपॉन आर, 3/2 के क्यू अपॉन आर, ये आता है, ये जनरल फॉर्मूला है, आपको अगर मालूम नहीं है तो ये आपके पास नोट डाउन करके रहो, ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के लिए ये इतना आता है, V2 इज इक्वल 3/2 के क्यू अपॉन आर। अगर मैंने अभी V1 V2 का रेशो इसमें डाला, इस रेशो में, तो इधर ही करके दिखाता हूँ, इनका रेशो निकालते हैं, तो हाफ एम हाफ एफ कैंसिल हो जाएगा, V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर, फिर भी क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा। अब ये V1 और V2 का वैल्यू डालते हैं इसमें, बेटर फॉर्मूला है, ओके, V1 V2 का वैल्यू डालते हैं, क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं हुआ है, स्कूल में पढ़ा था हमने, अभी चालू किया उसको यूज़ करने के लिए, थोड़े दिन के बाद हो जाएगा ठीक से, मैं इसको ठीक करवाऊँगा। V1 कितना निकला है, के क्यू अपॉन आर, V2 3 के क्यू अपॉन आर, सो के क्यू अपॉन आर डिवाइडेड बाई 3/2 के क्यू अपॉन आर, बाकी तो के क्यू अपॉन आर निकल जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, बराबर। अभी उन्होंने फॉर्मूला कितना दिया है, फॉर्मूला अभी सेंटर को पूछा है, 2 को पूछा है, मतलब मेरे को चाहिए V2 अपॉन V1, तो इधर V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर, सो V1 अपॉन V2 इतना है, तो V2 अपॉन V1 कितना आएगा, ऑफकोर्स इसका रूट आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इसका मैं रूट निकाला, ये 3/2 का 2/3 हो जाएगा, रूट ऑफ 2/3, तो उल्टा ये कितना हो जाएगा 3/2, ये कितना हो जाएगा 3/2 रूट ऑफ 1.5, तो V2 कितना हो जाएगा V1 के 1.5, सो V2 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1.5 V1, सो आई थिंक योर ऑप्शन डी इज देयर, यू चेक इधर ऑप्शन डी इज देयर और नॉट, ओके, ये लिख लो अभी, आपको अगर चाहिए तो मैं हटाऊंगा बाद में इसको। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, टुडे आई विल टेक सम मोर टाइम, बट आफ्टर दैट आई इंक्रीज माय स्पीड एज आई विल बी हैबिचुअल फॉर दिस, दो दिन के बाद सीख रहा हूँ छोटे बोर्ड पे और घर में, ओके, इट्स ओके, टू आइडेंटिकल थिंग, इट्स ओके, हैव यू कंप्लीट दैट, ओके, व्हाट विल डू इन नेक्स्ट वीडियो, आई विल बी स्टार्टिंग विद नेक्स्ट बोर्ड, थैंक यू, थैंक्स सो मच।